अब जो है अजय जी के मैसेज पे जाते हैं सबसे पहले। उन्होंने एक ऑफिशियल मैसेज दिया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन द होल इशू। दिस इज व्हाट ही सेड, आई हैव बीन ए पार्ट ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री फॉर द पास्ट 25 ईयर्स एंड हैव बीन एसोसिएटेड विद ओवर 100 फिल्म्स। My father was a professional action director and I have an emotional connection with this industry. It therefore pains me to see that people like Kamal R. Khan are holding the film industry to ransom by spreading negativity about films to extort money from producers. It is very sad that people from our own industry are supporting such elements and spoiling the ethos of the film industry. I would strongly demand that this be thoroughly investigated by competent authorities to clarify if Karan Johar was indeed involved. Aane de re. Pehle to Ajay ji jo keh rahe hain, अगर वो ये हाँ, तो पहले तो जो अजय जी कह रहे हैं, अगर मैं सही आदमी नहीं हूं तो फिर उन्होंने दो फिल्मों में मेरा फाइनेंस लेके मेरे साथ फिल्म क्यों बनाई, नंबर वन। नंबर दो, वो कह रहे हैं कि उनका इमोशनल कनेक्शन है फिल्म इंडस्ट्री के साथ। जी नहीं अजय देवगन साहब, आपका इमोशनल नहीं है, आपका सिर्फ पैसे का कनेक्शन है। वो ऐसे कि एक्शन जैक्शन के प्रोड्यूसर हैं, उनको बिचारों को बुढ़ापे में तकरीबन 25-30 करोड़ का नुकसान हुआ, आपने एक रुपया वापस किया है क्या उनको? पावर शुरू हुई थी फिरोज नडियाडवाला, पावर से आज तक इतनी प्रॉब्लम में है कि ऑलमोस्ट क्लोज पे है, उनको एक रुपये की हेल्प की है क्या आपने? या किसी और फिल्म इंडस्ट्री के कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, किसको हेल्प की है? तो आपका इमोशनल कनेक्शन कैसे है? तो आपका इमोशनल कनेक्शन नहीं है, आपका मनी कनेक्शन है, क्योंकि इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले आप 2 रुपीज पीपल थे और आज आप बिलियनर है, तो ये आपका इंडस्ट्री से कनेक्शन है। ये अजय देवगन साहब को मेरा रिप्लाई है।